नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। आप देख रहे प्रहार टाइम्स। मुमरा कौसा में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रहा है। हर दिन नए नए आंकड़े सामने आ रहे हैं, नए नए मामले सामने आ रहे हैं। मुमरा कौसा में अब कोरोना के आंकड़े 50 के करीब पहुंचा है। इसके पहले इन्हीं आंकड़ों में से एक शख्स की मौत हो गई थी और कल एक और शख्स की कोरोना के चलते मौत हुई है। जिस शख्स की मौत हुई है, हम उनकी तस्वीर आपको बता रहे हैं। आप ये तस्वीर देखें। अमृत नगर दारुल फला के बगल में ये रास्ता जाता है सुहाना इमारत में, जहां पर इब्ने हसन बेकरी वाले अपने परिवार के साथ रहते हैं। कल दोपहर 3 बजे के करीब उनको लेकर सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। रात 9:30 बजे के करीब खबर सामने आई ऑन के पिताजी की मौत हो गई है, जिसके बाद फिर एक बार मुमरा में हंगामा मच गया। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आप देखें। कल ही इन्हें कोरोना पॉजिटिव के इलाज के लिए ठाणे के सिविल अस्पताल में एडमिट किया गया था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उसके बाद आज उन्हें मुमरा के मित्तल कब्रिस्तान में दफनाया गया है। और दूसरी खबर हम आपको बता रहे हैं, जैसे जैसे नए नए मामले सामने आते गए, 14 दिन के बिल्डिंगों की क्वारंटाइन किया गया था और वो समय पूरा होने के बाद जो है एक एक करके बिल्डिंगों की सील खोल दिए गए हैं। और आज मुमरा के इलाके में जो कौसा इलाका आता है, उस इलाके में खलील मेंशन बिल्डिंग और जो है खाजा पैलेस, इन इमारतों की सील खोला गया है। नगर सेवक सानू पठान, समाज सेवक शाकिर शेख ने जो है उन लोगों को रूल रेगुलेशन बताया है कि आखिर कैसे आपको जो है रूल को फॉलो करना है। और इस बीच नगर सेवक सानू पठान ने क्या कुछ कहा है, आप पहले सुनिए। एक पेशेंट जो कल सुहाना में मिला है, उसका ही अब चिंता के विषय है। वही वो सुहाना का एरिया परिसर थोड़ा सा रेड जोन में आएगा। क्या हुआ उस पेशेंट को? उस पेशेंट को कल हमने जब सिविल में एडमिट की, वहाँ 9:45 पे जाके डेथ हो गई। आपके ज़रिए मैं मुमरा कौसा की आवाम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप ये ध्यान रखिए कि ये बहुत गंभीर विषय है। हमको घर पे रह के ही इस बीमारी की लड़ाई से हम लड़ सकते, बाकी इसका दूसरा कोई इलाज नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हमारा परिवार भी तकलीफ़ में आएगा। अभी तक हमारी 7 इमारतों की सील खुल गई है। जितनी बिल्डिंगें को रेड जोन के लिए लगाई थी सील, वो सारी बिल्डिंगें खुल गई। खलील मेंशन और ख्वाजा परिस भी खुल गई है। साथ ही में आज हमारे यहाँ से लेके अमृत नगर जितने भी लगभग रेड जोन का मामला था, वो ख़त्म हो गया। लेकिन और तीसरी तरफ एक ज़रूरी सूचना हम आपको बता रहे हैं। लॉकडाउन के बीच जो प्रवासी फंसे हुए हैं, जिन्हें गांव जाना है, उनके लिए यह खबर है, वो 3 तारीख के बाद अपने वतन जा सकते हैं, लेकिन उन्हें नियम को फॉलो करना होगा। कलेक्टर की तरफ से आदेश है, अपने अपने डिटेल्स देने होंगे। कलेक्टर के पास उनकी डिटेल्स जमा होगी और फिर उन्हें बस द्वारा उनके वतन भेजा जाएगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जरिए नोटिफिकेशन आ चुका है, जो लोग यहाँ से अपने गांव में फंसे वो जाना चाहते, उनका ऑर्डर आ गया। कलेक्टर के जरिए उनको हम लोग गांव यहाँ से बस में भेजेंगे। तो उसका ऑर्डर लाके आज ही हम लोग सबसे अपील करने वाले कि जो जो लोग जाना चाहते गांव, वो आए हमको बताए, हम पूरी डिटेल करके कलेक्टर के माध्यम से पूरी डिटेल देके उनको उनके गांव में भेजेंगे। कलेक्टर के पास उनकी पूरी डिटेल जाएगी, कलेक्टर साहब से हम लोग बात करके उनको डिटेल भेजने के बाद यहाँ से बस के जरिए उन सभी लोगों को भेजा जाएगा। ये जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि उन्हें सिर्फ महाराष्ट्र तक भेजेंगे, बॉर्डर तक भेजेंगे, वहाँ से दूसरा रहेगा, ऐसा क्या है मतलब? नहीं नहीं नहीं, उनके जो वतन है वहाँ तक उनको भेजा जाएगा, ये बस उनके वतन तक जाएगी। तो आपने सुना, प्रवासियों के लिए एक बड़ी खबर है। सानू पठान ने क्या कहा है, जो लोग गांव जाना चाहते हैं वो 3 तारीख के बाद जा सकते हैं, लेकिन उन्हें रूल को फॉलो करना होगा। और वो चाहे गरीब मजदूर हो या फिर स्टूडेंट हो, उनके वतन सरकार उन्हें पहुंचाएगी। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।